हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में हम जानेंगे एडमिट कार्ड को डाउनलोड कैसे करें। ये विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में जो एडमिशन है जिनका, उनका सेमेस्टर 5 का एडमिट कार्ड आ चुका है और आज हम सीखेंगे इसे डाउनलोड करना। तो देखिए, सबसे पहले आप गूगल में जाओ और आप सर्च करो VBU और उसके बाद आप एंटर प्रेस कर दो। यहाँ पर एक साइट खुलेगा, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग, इस पर आप क्लिक कर दो। उसके बाद आपको नीचे जाना है और देखिए यहाँ पे आ जाना है एडमिट कार्ड, एग्जामिनेशन एडमिट कार्ड में जाना है, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए आप। उसके बाद क्या है, देखिए इधर आपको कुछ नहीं छूना है, आपको डायरेक्ट एडमिट कार्ड पे, देखिए यहाँ पे रेड कलर में वाइट से लिखा हुआ है एडमिट कार्ड, तो इसमें आप क्लिक कर दो और सेलेक्ट कोर्स करो। तो आपका सेलेक्ट है, कोर्स है आपका UG, तो अंडर ग्रेजुएट क्लिक कर दो। उसके बाद सेमेस्टर सेलेक्ट, सेमेस्टर तो सेमेस्टर 5 का चाहिए, तो 5 पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ एंटर करेंगे रोल नंबर। ठीक है, तो जिनका जो रोल नंबर होगा आप अपना अपना रोल नंबर एंटर कर दो। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ एक करता हूँ 2101। ये डालने के बाद, रोल नंबर डालने के बाद आप चेक कर लो एक बार। और फिर आप सर्च कर दो। तो देखिए ये एडमिट कार्ड खुल के आ गया है। ठीक है, इस तरह से आपका भी आ जाएगा। ठीक है, आप यहाँ से क्लिक हेयर टू प्रिंट यहाँ से कर सकते हो या फिर आप इसे डाउनलोड मार सकते हो, यहीं से डाउनलोड हो जाएगा आपका। ठीक है, और आपका ये एडमिट कार्ड आ गया। तो इस तरह से आप एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। आपके एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से अपने एग्ज़ाम को लिखें और तैयारी करें, अभी भी समय है, आप अच्छे से अपने तैयारी करके एग्ज़ाम को लिख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें इसी तरह के एजुकेशन और नोटिफिकेशन वीडियोज़ के लिए। थैंक यू सो मच।